नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। आतंकी संगठन अलकायदा ने जारी किया वीडियो। संगठन प्रमुख आयमान अल जवाहिरी ने अमेरिका को दी चेतावनी, कहा हजारों बार दोहराया जाएगा 9/11। उत्तर कोरिया को अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने दी चेतावनी, कहा भुगतने पड़ेंगे गंभीर परिणाम। उत्तर कोरिया के 5वें परमाणु परीक्षण की दक्षिण कोरिया ने जताई थी आशंका। इराक की राजधानी बगदाद में कार बम विस्फोट, 10 लोगों की मौत, 30 से ज्यादा घायल। आईसिस पर जताई जा रही है हमले की आशंका। मुंबई हमले के गुनहगार लश्कर ए तैयबा के पूर्व आतंकी सुफाया जफर को पाकिस्तान की अदालत से मिली क्लीन चिट। जफर पर धन मुहैया कराने का था आरोप। पिछले महीने खैबर पख्तूनख्वा से गिरफ्तार हुआ था जफर। सीरिया में आईएस आतंकियों ने तुर्की सेना के टैंक को बनाया निशाना, 3 जवानों की मौत, 1 घायल। तुर्की के जनरल स्टाफ ने की पुष्टि। सीरिया पर अमेरिका रूस के बीच समझौता, सीरिया में युद्ध खत्म करने और राजनीतिक हस्तांतरण की शुरुआत करने पर बनी सहमति। आईसिस और अल नुसरा फ्रंट पर हमले के लिए बनाया जाएगा साझा केंद्र। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।